देश में एक बार फिर से हिंदी भाषा को लेकर बहस छिड़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में देश में हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही थी। अमित शाह ने पिछले दिनों कहा है कि अलग अलग राज्यों के लोगों को आपस में हिंदी में बात करनी चाहिए, अंग्रेजी में नहीं। अब ऑस्कर विनिंग संगीत निर्देशक एआर रहमान ने इसी को लेकर एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट में लिखा है कि प्यारी तमिल ही हमारे अस्तित्व की जड़ है। इस पोस्ट में तमिल भाषा में ये भी लिखा है, तमिझा नंगू, और इसी के साथ माँ तमिल की तस्वीर भी उन्होंने साझा की है। रहमान के इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर अमित शाह के बयान का जवाब माना जा रहा है। रहमान ने ये पोस्ट बीती रात करीब 11 बजे साझा किया था और अब तक करीब 14,000 से ज्यादा रीट्वीट किया जा चुका है। बता दें कि रहमान उनमें से हैं जो किसी भी भाषा से अधिक तमिल में बात करना पसंद करते हैं। इस बयान को लेकर लगातार लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रकाश राज ने अमित शाह के बयान की एक क्लिप शेयर करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, घर को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए गृह मंत्री, हम आपको चेतावनी देते हैं, हिंदी को थोपना बंद कीजिए। हम अपनी विविधता से प्यार करते हैं, हम अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं, हम अपनी पहचान से प्यार करते हैं, केवल पूछ रहा हूँ। वैसे बता दे कि भले ही प्रकाश राज की मातृभाषा कन्नड़ है, लेकिन उन्होंने साउथ में तेलुगु तमिल भाषा के अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। प्रकाश राज अंग्रेजी के साथ कई भारतीय भाषाएं फर्राटे से बोल सकते हैं। प्रकाश राज के अलावा गैर हिंदी भाषी राज्यों के कई और लोगों ने भी अमित शाह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सांस्कृतिक आतंकवाद का आरोप लगाया है। उधर टीएमसी ने आलोचना करते हुए कहा है कि हम हिंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन हम हिंदी थोपने का विरोध करते हैं। अमित शाह को अपनी बातों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। वहीं शिवसेना ने आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय भाषाओं के मूल्य को कम करने का एजेंडा बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय भाषाओं के शब्दों को हिंदी शब्दकोश में अपनाने का सुझाव दिया है। हिंदी शब्दकोश को संशोधित और फिर से प्रकाशित किए जाने पर जोर दिया। शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 22,000 हिंदी शिक्षकों की भर्ती की गई है और 9 आदिवासी समुदायों ने भी अपनी बोलियों की लिपियों को बदल दिया है। बहरहाल हिंदी भाषा के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।